वेल स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 7th एंड द सब्जेक्ट इज़ दैट इज़ ज्योग्राफी। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ दैट इज़ रॉक्स एंड मिनरल्स टाइप्स एंड इट्स यूज। अगर हम बात करते हैं कि जो रॉक्स है, व्हाट डज इट मीन? रॉक सिंपली मीन्स एग्रीगेट गेट ऑफ मिनरल्स। ये जो रॉक्स है किन से बना हुआ होता है? मिनरल से। टू आर मोर मिनरल्स व्हेन कंबाइन, जब ये आपस में मिलते हैं ये मिनरल्स तो ये बना देते हैं कंबाइंस, तो ये बना देते हैं कंबाइंस टू मेक रॉक, तो ये रॉक बन जाता है। ठीक है, तो हमारे सामने अगर ये रॉक होता है कि ये मिनरल से बने हुए होते हैं, ये एक मिनरल से नहीं बना होता है, ये 4, 5, 6 मिनरल से बने हुए होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो ये अर्थ है हमारी, ये 3 लेयर्स में है। पहला है क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। ठीक है, और ये जो रॉक है ये एग्जिस्ट यहाँ पे किया जाता है। रॉक्स आर लोकेटेड और फॉर्मड ऑन अर्थस क्रस्ट, ये अर्थ के क्रस्ट पे बन जाता है। ठीक है, कैसे बन जाता है हम देखेंगे आज, ये एग्जिस्टेंस ऑफ रॉक कैसे हो जाता है, रॉक कैसे बनता है, लेट अस सी किस तरह बन जाता है, हम देखेंगे कि किस तरह ये रॉक बन जाता है। आपको आ रहा है समझ? ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने पढ़ा होगा किसी जगह पे, साइंस में पढ़ा होगा या SST पे पढ़ा होगा कि वॉल्केनिक है, वॉल को इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, उसमें क्या होता है, उसी में ये रॉक बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैग्मा, जो नीचे वाला ये एरिया होता है, एक लिक्विड फ्लूड जैसा होता है, बहुत ही गर्म होता है, लेकिन ये जब ये ऊपर आता है ड्यू टू द फोर्स, अंदर से इसको फोर्स होता है, तो ये यहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो ये जो मैग्मा है इट कम्स इनटू, यहाँ पे बन जाता है लावा। क्या बन जाता है? लावा। फिर जब ये लावा आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाता है, ये जब कूल डाउन हो जाता है ये एक नई फॉर्म में आता है, इसको हम कहते हैं रॉक। क्या कहते हैं? रॉक। अब इस रॉक को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। ठीक है, ये इग्निशियस रॉक बन जाता है। ये जो लावा था ये कूल डाउन अब हो गया है, तो ये अब एक फॉर्म में आ गया, रॉक के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। ये जो इग्निशियस रॉक है इसमें फिर क्या होता है कि आहिस्ता 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 ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, आहिस्ता 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 ये ज़मीन के अंदर, थोड़ा ये ज़मीन के अंदर चला जाता है और थोड़ा ये उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, लेयर होता है, वो ज़मीन के ऊपर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे दो टाइप्स यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, एक होता है एक्सट्रेसिव रॉक, यहाँ पे है इंट्रेसिव रॉक, इग्निशियस रॉक्स रॉक, यहाँ पे है एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक। ठीक है, तो ये जो है ये आहिस्ता 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 ऐसा नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे जो ये रॉक बन जाते हैं, ये वाला रॉक, यहाँ यहाँ पे कौन सा टाइप होता है रॉक? यहाँ इसको हम कहेंगे
बसाल्ट रॉक। दूसरा यहाँ पे, दूसरा रॉक यहाँ पे एग्जस्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं गैब्रो रॉक। ठीक है, तो एक्सट्रेसो रॉक में कौन कौन रॉक होता है? बसाल्ट रॉक होता है और गैब्रो रॉक होता है। और इंट्रेसो रॉक, इग्निशियस रॉक में कौन से ये होता है, कौन सा रॉक आता है? यहाँ पे आता है ग्रेनाइट, या तो छुआ ग्रेनाइट बेशियों, या तो बैथो बैथिलोपात रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रॉक्स आते हैं, या यहाँ पे ये दो रॉक्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टाइप्स। तो पहला टाइप इसका ये है, पहला है इग्निशियस रॉक, ये इसका टाइप है। ठीक है, अब ये आहिस्ता 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 जब यहाँ पे इरोजन होता है, आहिस्ता 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 ये अब नीचे नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये जो रॉक है इस रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक। इससे इससे कौन से मिनरल्स या कौन से रॉक्स बन जाते हैं? फिर जब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे यहाँ पे थोड़ा लेस टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे उतना टेम्परेचर नहीं होता है, अब थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है टेम्परेचर, तो ये एक फॉर्म में आ जाता है। पहले ये सेडिमेंटरी रॉक, अब ये इग्निशियस रॉक, अब सेडिमेंटरी रॉक में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे कौन कौन से रॉक्स हैं? यहाँ पे हम अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे रॉक्स अगर हम बात करें कि सैंडस्टोन, या अगर हम कोल की बात करें, या अगर हम लाइमस्टोन की बात करें, तो यहाँ पे ये रॉक्स बन जाते हैं। फिर अगर हम बात करें ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, फिर जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बारिश है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, हाँ एक रॉक को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने के लिए। ठीक है, ये 2 दिन में नहीं प्रोसेस होता है, ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये सालों सालों का, ये थाउजेंड्स ईयर्स इसमें लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये सेडिमेंटरी रॉक अब आहिस्ता 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 नीचे आ रहा है, तो यहाँ बन जाता है ये मेटाफर रॉक, मेटाफर रॉक। ये मेटाफर रॉक क्या होता है? ये होता है इग्निशियस इग्निशियस प्लस सेडिमेंटरी रॉक, ये दोनों कंबाइन होके मेटाफर रॉक बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, आपको आ रहा है समझ? तो इस यहाँ पे सेडिमेंटरी रॉक प्लस इग्निशियस रॉक बना, ये क्या बना देते हैं? ये मेटाफर रॉक बना देते हैं। ठीक है, आपको आ रहा है समझ? ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, या कौन कौन से हम रॉक्स देखेंगे? वो है मार्बल, मार्बल। दूसरा है इसमें कोटोजाइट, कोटोजाइट है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे रॉक्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि मार्बल से सोचा आमतौर पर घर से आसान मार्बल, हाँ, या अगर उसको ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ऐसे, ताकि आपको थोड़ा आप कंपेयर करो अपने डे टू डे लाइफ के साथ। ठीक है, तो इस तरह ये मेटाफर रॉक बन जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये किस तरह यहाँ पे थोड़ा इनक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंटरी रॉक जब कन्वर्ट होता है किस में, मेटाफर रॉक में, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। फिर जब यही जो मेटाफर रॉक जो है इट कम्स नाउ, यही मेटाफर जब ये आहिस्ता 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 ऐसा क्या हो जाता है कि ये जब नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्मा में, जिस तरह हमने पढ़ा था इधर यहाँ पे मैग्मा है। तो ये जो मैग्मा है, ये जो मेटाफर रॉक है, ये कन्वर्ट होता है मैग्मा मैग्मा में ड्यू टू हाई टेम्परेचर,
हाई टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट होता है मैग्मा में, कन्वर्ट होता है फ्लूड में, और इसी तरह यही मैग्मा जो है ये ऊपर आता है, फिर इसी तरह ये लावा बन जाता है, फिर इसी तरह ये इग्नेशियस सेडिमेंट, तो इसी को कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम रॉक साइकिल। आपके टेक्स्ट में होगा रॉक साइकिल कैसे होता है, इसका मतलब है पहले इग्नेशियस रॉक बन जाता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, फिर मेटाफर रॉक, फिर यही मेटाफर रॉक फिर लावा में, ये मैग्मा में हो जाता है, फिर यही मैग्मा लावा में कन्वर्ट होता है, फिर यही इसी तरह इसी को कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम रॉक साइकिल। हैं आपके टेक्स्ट में होगा ये रॉक साइकिल, ठीक है आपको आ रहा है समझ? तो रॉक साइकिल क्या है, रॉक साइकिल में क्या पहले क्या आता है, पहले आता है इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटाफर रॉक, फिर होता है मैग्मा, मैग्मा के बाद क्या लावा, फिर इसी तरह इसी को कहते हैं हम रॉक साइकिल। नाउ यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि इस रॉक की जो यूजेस क्या है। देखो अगर हम आजकल की बात करें, डे टू डे आवर लाइफ, अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, यूज ऑफ रॉक्स, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बिल्डिंग्स, हमारी जो बिल्डिंग है हम यूज़ करते हैं, या अगर हम रोड्स की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कौन कौन से रहते हैं, ग्रेनाइट है या सैंडस्टोन है, लाइम लाइम स्टोन है, ये सब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर, कोई भी आर्किटेक्चर होगा तो हम ये यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है मिनरल्स, मिनरल्स कौन होते हैं, मिनरल्स वो होते हैं जो हमें पावर या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स कौन कौन से, कोल, कोल हमने पढ़ा है कि कोल कहाँ हमें मिलता है, कोल हमें सेडिमेंटरी रॉक से मिलता है, ठीक है, और प्लस पेट्रोलियम वो भी हमें सेडिमेंटरी रॉक से मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो कोल एंड पेट्रोल ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अस ये हमें प्रोवाइड करता है, एक तो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है एंड पावर, ठीक है। अगर आजकल के हम स्टीम इंजन की बात करें या किसी और की बात करें, पेट्रोल हाँ व्हीकल जो, अगर 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 हम आज की बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, हाँ पेट्रोल स्पर्श पका, हाँ ये सब इसी से सिस्टम से ही होता है, आपको आ रहा है सब मिनरल से ही मिलता है, ठीक है आपको आ रहा है समझ अच्छी तरह से, कोई कन्फ्यूजन मत, अगर कोई कन्फ्यूजन है, जैसे पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल भी किया था, तो इससे पहले आप अगर फॉर एग्जांपल कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कॉल करना है, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8899472487, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाँ चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।